देश के करोड़ों किसानों को खेती में सहयोग देने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पैसे दिए जाते हैं। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने पर 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों को 16 किश्त मिल चुकी है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें पहले किश्त मिलती थी मगर अब उनकी किश्त बंद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर के लगभग 40 लाख किसानों को उनकी किश्त नहीं मिल पाई है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और ऐसे में किसान क्या करे। देश भर के लगभग 40 लाख किसानों को उनकी किश्त नहीं मिल पाई है, जिन्हें ये किश्त अब तक मिलती आ रही थी। सरकार भी ऐसे किसानों को उनकी किश्त दिलवाने में सहायता कर रहे हैं। जिन किसानों को किश्त नहीं मिली है उसका मुख्य कारण ईकेवाईसी या फिर आधार लिंक ना होना बताया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार ने किश्त को फिर से शुरू करने का एक और ऑप्शन दिया है जो कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को बस अपना ईकेवाईसी और आधार बैंक से लिंक कराना होगा, तभी किश्त बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफर हो पाएगी। इसे करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले एक किसान अपने फोन पर पीएम किसान ऐप डाउनलोड कर सकता है और ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। दूसरा, सामान्य सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और अपना ईकेवाईसी या आधार अपडेट कर सकते हैं। इससे किसानों को योजना के तहत अपनी किश्त फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। यह जानने के लिए किश्त अचानक क्यों जमा होना बंद हो गई है, किसानों को इस लिंक पर जाना होगा। इसके बाद उन्हें बस अपना मोबाइल नंबर और अपना कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और ऐसा करने के बाद उन्हें सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। वहीं अगर कोई किसान अपना नाम चेक करना चाहता है तो वह इस लिंक पर जाकर इस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने किसानों को खेती में मदद करने के लिए 1 दिसंबर 2018 को ये योजना शुरू की थी। पीएम नरेंद्र मोदी देशभर के किसानों के अकाउंट में यह किश्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजते हैं। पीएम किसान योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 महीने के बाद किश्तों में दी जाती है। हर किश्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए आते हैं। स्कीम का लाभ पाने के लिए आप पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। फिर ऐप में जाकर नया किसान पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड की डिटेल, व्यक्तिगत और भूमि डिटेल डालें, फिर फॉर्म जमा करें और आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।